नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी को एक ऐसे ब्लैक होल के बारे में बताएंगे जो पहले वैज्ञानिकों को एक साधारण सा सूर्य जैसा दिखने वाला तारा लग रहा था, पर असल में वो हमारे पृथ्वी के अब तक का सबसे नजदीक मिलने वाला ब्लैक होल निकला। इस ब्लैक होल ने अपने आप को इतना रहस्यमयी तरीके से तारों के बीच में छिपा रखा था कि इसे भी एक तारा ही समझा जा रहा था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें, ताकि हमें आगे भी आप सब के लिए और अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिल सके। इसके लिए आप सभी का पहले ही धन्यवाद। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो का। जब भी हम चांद, तारों और अंतरिक्ष की बात करते हैं तो ब्लैक होल का जिक्र अपने आप हो जाता है। ब्लैक होल क्या है? यह सवाल हमेशा से ही खगोल विज्ञान के लिए रहस्यमयी चीजों में से एक है। जो विज्ञान में रुचि रखते हैं उनके अंदर ब्लैक होल के बारे में जानने की हमेशा से ही उत्सुकता बनी रहती है। चलिए पहले इस वीडियो की असल कहानी को समझने से पहले आपको हम ब्लैक होल के बारे में ही कुछ रोचक बातें बता देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल, जिन्हें अंतरिक्ष का दानव या खूंखार जानवर भी कहा जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं, वो असल में होते क्या हैं और वो अस्तित्व में कैसे आए? दरअसल वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल उन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से बने होंगे जो बिग बैंग के ठीक बाद अस्तित्व में सामने आए थे। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली जगह है, जहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि इससे कुछ भी बच नहीं सकता। यहां तक कि प्रकाश भी अगर एक बार ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो वो फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल हैं, हालांकि वो सभी पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं। अगर वो नजदीक होते तो पृथ्वी को कब का निगल गए होते और फिर धरती पर इंसानों का नामोनिशान नहीं रहता। वैज्ञानिक तौर पर ऐसा माना जाता है कि जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह धीरे धीरे एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो अपने आसपास की सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टीन ने क्या बताया ब्लैक होल के बारे में? ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्वार्ज़चिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को हॉराइजन बताया था। हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल रेडिएशन के चलते एक पूरी तरह से द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। आइंस्टीन के अनुसार, लॉ ऑफ जनरल के अनुसार, ब्लैक होल की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि इसके आसपास आने वाली कोई भी चीज इसके प्रभाव से बच नहीं सकती है। अगर कोई ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो क्या होगा? अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाने के बारे में सोचते हैं तो ये असंभव है, क्योंकि पहुंचने से पहले ही आप जलकर राख हो जाएंगे। मान लिया जाए कि अगर इंसान इसके अंदर चला भी जाए तो क्या कोई दूसरा ग्रह मिलेगा या फिर कुछ और? इसीलिए ब्लैक होल अभी तक रहस्य बना हुआ है। ब्लैक होल को डिकोड करने की भी कोशिश की वैज्ञानिकों ने। न्यूजर्सी की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डेनियल हार्लो और कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पैट्रिक हाइडन ने एक अध्ययन किया और वर्ष 2013 में इस नतीजे पर पहुंचे। अगर विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर से भी यह पता लगाया जाए कि ब्लैक होल के अंदर के हिस्से का जुड़ाव कैसा है तो भी काफी समय लग जाएगा और तब तक यह ब्लैक होल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन 2013 से अब तक कंप्यूटर फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है, जैसी कि आने वाले भविष्य में और ज्यादा बेहतर क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च होने वाले हैं, जो कि किसी भी सुपर कंप्यूटर से 100 ट्रिलियन गुना तेज हो सकता है। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। तो क्या फिर हम ब्लैक होल के रहस्यों को आने वाले भविष्य में डिकोड कर पाएंगे? खैर, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह संभव हो सकता है। आइए अब जानते हैं इस वीडियो की असल कहानी को। जैसे कि मैंने आप सभी को इस वीडियो की शुरुआत में बताया था एक ब्लैक होल के बारे में, जो पहले एक सूर्य जैसा साधारण सा तारा लग रहा था, लेकिन वो असल में एक रहस्यमयी तरह से छिपा हुआ पृथ्वी के सबसे नजदीकी मिलने वाला एक ब्लैक होल है, जिसका नाम गाया BH1 है। असल में हम आपको बताते हैं कि जब गाया BH1 खोजा गया था,
तब उसके साथ एक और ब्लैक होल मिला जिसका नाम गाया BH2 रखा गया। ये दोनों ही ब्लैक होल इनसे पहले मिले ब्लैक होल्स से पृथ्वी के सबसे नजदीक है। गाया BH1 हमारे सौर मंडल से ओपियुचस तारामंडल की तरफ सिर्फ 1560 प्रकाश वर्ष दूर है। ये पिछले सबसे बड़े ब्लैक होल की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा नजदीक है। गाया BH2 करीब 3800 प्रकाश वर्ष दूर सेंटोरस तारामंडल की तरफ है। ये दोनों ब्लैक होल हमारे सूर्य से करीब 9 से 10 गुना ज्यादा बड़े हैं और हमारी अपनी आकाश गंगा के अंदर है। अब तक नजर क्यों नहीं आए इतने बड़े ब्लैक होल? अब तक इन विशालकाय ब्लैक होल पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? ये बड़ा सवाल है। तो जवाब ये है कि ये व्यावहारिक रूप से अदृश्य हैं। पहले वैज्ञानिक ब्लैक होल की खोज उन अवशेषों को देखकर किया करते थे जो ब्लैक होल का भोजन बनते थे। नासा के मुताबिक जब कोई तारा या इंटरस्टेलर गैस का बादल किसी ब्लैक होल में गिरता है तो वह अपने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है जिससे वैज्ञानिकों को ब्लैक होल होने का पता चल सकता है। लेकिन यह खोज पिछली खोजों से अलग है क्योंकि गाया BH1 और BH2 पूरी तरह से अंधकारमय है। साथ ही ऐसे कोई अवशेष भी नहीं है जिससे पता लगे कि इन्होंने किसी तारे को निगला है। ये निष्क्रिय हो गए हैं। दो तारों को गौर से देखा तो हुई ब्लैक होल की खोज शोधकर्ताओं को सूर्य जैसे दो तारों की गतिविधियों को ध्यान से ट्रैक करके इन ब्लैक होल का पता लगा। तो अब आपके यहां समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्यों कहा था कि जो सूर्य जैसा दिख रहा था वो असल में ब्लैक होल निकला। शोधकर्ताओं ने देखा कि अंतरिक्ष में तारे कुछ डगमगा रहे थे। इससे पता चलता है कि वहां बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा या फिर कोई दूसरा तारा उन्हें अपनी तरफ खींच रहा होगा। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने दूरबीन से बारीकी से जांच की तो वहां उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे रेडिएशन आ रही हो। गणित के मुताबिक ऐसा तभी होता है जब वहां कोई ब्लैक होल हो। दोनों ब्लैक होल को 2022 के अंत में खोजा गया था। ESA के मुताबिक गाया BH1 और गाया BH2 ब्लैक होल की एक नई कैटेगरी से हैं, जिन्हें अब से पहले कभी देखा नहीं गया था। गाया का अगला डेटा 2025 में रिलीज होगा। वैज्ञानिक उम्मीद जता रहे हैं कि तब और ज्यादा निष्क्रिय हो चुके ब्लैक होल के बारे में पता लगेगा। यह शोध हाल ही में मंथली नोटिसेज ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ है। आप यहां तक की जानकारी से इतना तो समझ ही गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एलियंस वाली वीडियो में बताया था कि हम इतने विशाल अंतरिक्ष के रहस्यों का सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि इस अंतरिक्ष ने समय समय पर हमें अपने इतने रहस्यों से हैरान किया है कि हम एक रहस्यों को सुलझा नहीं पाते तब तक दूसरा हमारे सामने एक पहेली की तरह आकर खड़ा हो जाता है। और हम इंसान हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर के रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हमें अभी तक खुद की गैलेक्सी का पूरा पता नहीं है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले आइए हम आपको बताते हैं इस ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए 5 सबसे विशाल ब्लैक होल्स के बारे में। नंबर 1, फीनिक्स अ ब्लैक होल। अब तक का खोजा गया सबसे विशाल ब्लैक होल जो है वो है फीनिक्स क्लस्टर में, जो कई आकाशगंगाओं का एक बड़ा समूह है। ब्लैक होल स्वयं क्लस्टर की केंद्रीय आकाशगंगा में है। हालांकि ब्लैक होल का सटीक मास पता नहीं है, अनुमान है कि इसका मास लगभग 100 बिलियन सूर्य है। यह ब्लैक होल कुछ बड़ी आकाशगंगाओं से भी अधिक विशाल है और यह आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल के मास से 24,000 गुना अधिक है। ब्लैक होल का व्यास अनुमानित 367 बिलियन मील है और किलोमीटर में नापे तो 591 बिलियन किलोमीटर है, जो इसे सूर्य और प्लूटो के बीच की दूरी से 100 गुना अधिक बड़ा बनाता है। नंबर 2, टन 618। यह एक अति विशाल ब्लैक होल है जो 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। 66 अरब सूर्यों के मास के साथ यह ब्रह्मांड में अब तक पाए गए सबसे विशाल ब्लैक होल में से एक है। टन 618 को पहली बार 1957 में देखा गया था, फिर भी उस समय वैज्ञानिकों को पता नहीं था कि यह क्या था। टन 618 वर्तमान में वह प्रोड्यूस कर रहा है जिसे क्वासर के रूप में जाना जाता है, जिन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा विकिरण की विशाल किरणें कहा जाता है। क्वासर का अस्तित्व 1963 से पहले अज्ञात था और इसलिए जब टन 618 पहली बार खोजा गया था तो वैज्ञानिक इस बात से अनजान थे कि यह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल था।
क्वासर स्वयं ब्रह्मांड में सबसे चमकदार पता लगाई गई वस्तुओं में से एक है, जो सूर्य से 140 ट्रिलियन गुना अधिक चमकीला है। क्वासर इतना चमकीला है कि वैज्ञानिक टन 618 वाली आकाशगंगा का निरीक्षण भी नहीं कर सकते। नंबर 3, होलमबर्ग 15। यह लगभग 700 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक विशाल अंडाकार आकाशगंगा है। इस आकाशगंगा के मूल में अब तक पाए गए सबसे विशाल ब्लैक होल में से एक होलमबर्ग 15A भी है, जिसका मास लगभग 40 अरब सूर्यों के बराबर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि होलमबर्ग 15A के मूल में स्थित ब्लैक होल अनगिनत अन्य ब्लैक होल के साथ मिलकर अपने वर्तमान आकार को बढ़ा रहा है, जिससे समय के साथ इसका मास भी बढ़ रहा है। नंबर 4, IC 1101। यह एक महाविशाल अंडाकार आकाशगंगा है और ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी पता लगाई गई आकाशगंगा भी यही है। यह इसके मूल में अब तक पाए गए सबसे विशाल ब्लैक होल्स में से एक है। आकाशगंगा का अनुमानित व्यास 6 मिलियन प्रकाश वर्ष है और यह 1 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। IC 1101 के केंद्रीय ब्लैक होल का अनुमानित मास लगभग 40 बिलियन सूर्य है और वर्तमान में यह भारी मात्रा में उच्च ऊर्जा विकिरण उत्पन्न कर रहा है, जो प्रकाश की किरणों के रूप में ब्लैक होल से बाहर की ओर बढ़ता है। नंबर 5, S500114+81। यह भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका मास लगभग 40 बिलियन सूर्य है। सबसे विशाल ब्लैक होल में से एक होने के अलावा यह भी फीनिक्स ब्लैक होल की ही तरह एक क्वासर भी पैदा कर रहा है, जिसकी चमक 300 ट्रिलियन सूर्यों की है, जो इसे ब्रह्मांड में सबसे चमकदार पता लगाई गई वस्तुओं में से एक बनाती है। यह हमारी पूरी आकाशगंगा से लगभग 25,000 गुना अधिक चमकीला है। इसकी अनुमानित दूरी 139 अरब मील है और किलोमीटर में 240 अरब किलोमीटर है, जो इसे प्लूटो की कक्षा से 40 गुना बड़ा बनाता है। यह अब तक पाए गए सबसे पुराने ब्लैक होल्स में से एक है, जो बिग बैंग के 2 अरब साल से भी कम समय बाद बना है, जो बताता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल ने प्रारंभिक आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आप ऐसे ही और वीडियो को क्या देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही और अच्छी जानकारी वाली वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देखें हमारी और ऐसे ही रोमांचक वीडियोज़।